सो सबको सबसे पहले गुड इवनिंग। आज मैं ये वीडियो उन मेरे दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनका इंटरव्यू कल है ह्यूमैनिटीज का। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि लैंग्वेज का कोई भी सिस्टम नहीं है कि जैसे कि अगर इंग्लिश है तो उसे ज़्यादा मिलेंगे नंबर और हिंदी है तो कम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हिंदी भी बोलोगे लेकिन क्लियर हिंदी बोलोगे तो तुम्हें उतने ही नंबर मिलेंगे जितने कि इंग्लिश वाला बच्चा बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश वाले को ज़्यादा नंबर मिलेंगे और हिंदी वाले को कम मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मैं जब वहाँ पे गया था, मेरी सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी। अंदर ले जाने के बाद सबसे पहले आपको वो 5 मिनट का वेट कराएंगे, उसके बाद आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, सबको एक ग्रुप में, और वो ग्रुप 6 का 8 का या 10 का हो सकता है। मेरा तो 6 का था, तो आपका कितने का भी हो सकता है। वो वहाँ सेंटर पे जाके पता लगता है कि टीचर क्या करेगा। और अगला मैं बताता हूँ आपको टॉपिक, जो हमारा टॉपिक आया था, मेन टॉपिक हमारा टॉपिक आया था कि होमवर्क देना बच्चों को ज़रूरी है या नहीं। हम 6 बंदे थे, सबको 1 या 2 मिनट का 1.5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, पूरा 1.5 मिनट का। और उसमें आप अपने मन में सोच सकते हो, सभी सोचेंगे। और ये अब भी निकाल दो कि किसी ने इंग्लिश में बोल दिया कि उसे ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, मिलेंगे सबको बराबर ही। तो मेरा ये हुआ था कि मैं वहाँ जाने के बाद हमारा भी इंटरव्यू हुआ था। नर्वसनेस तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इतनी वीडियो देखने के बाद, इतना दीदी को सुनने के बाद नर्वसनेस तो ख़त्म एकदम भाई। वहाँ जाने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इंटरव्यू आपका 10 से 15 मिनट का ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे वो, बस आपको टाइम देंगे सोचने का 1 से 1.5 मिनट का। और फिर आपसे पूछेंगे, और वो साथ साथ नोट करते रहते हैं कि आपके कितने कितने नंबर जा रहे हैं, और मेन टॉपिक आपके क्या क्या हो सकते हैं। हमारी क्लास में मैंने दूसरी क्लास के वाले बच्चों से भी पूछा था कि उनके क्या क्या टॉपिक थे। मैंने पूछा मेरी क्लास में तो था होमवर्क देना ज़रूरी है या नहीं, और मेरी दूसरी वाली क्लास में था कि बच्चों को स्कूल ड्रेस पहनना ज़रूरी है या नहीं। कि और इसका पॉइंट भी बनता है कि स्कूल ड्रेस पहननी चाहिए या नहीं। और उसमें कई बच्चों ने जवाब दिया होगा, मेनली तो इसका भेदभाव ही था। और जैसा कि हमारी योजना दीदी ने बताया यूनिक क्लासेस पे, कि जो जो टॉपिक्स आए थे वो मैंने प्रिपेयर भी करे, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं, उम्मीद तो है कि मैं पास होऊंगा, स्कूल में जाऊंगा, और खुशी भी बहुत है, बस एक बार एडमिशन हो जाए। और ऑल द बेस्ट आपके लिए, कल के लिए, जिन बच्चों का एग्ज़ाम कल है, अपने अच्छे से प्रिपेयर प्रिपरेशन करना। थैंक यू।